हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो राजस्थान को एंड दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज और एक वैकेंसी निकली है RSM SSB के अंदर। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक दो वैकेंसी कल निकाली थी एंड जो दो वैकेंसी है आज निकाली, तो उनमें से एक वैकेंसी है पशुधन सहायक की एंड जो सेकेंड वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की। तो फ्रेंड, जो पशुधन सहायक का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो फ्रेंड चलिए देखते हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है एंड जो कितनी क्या पोस्ट उसके अंदर निकली है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। तो इसकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 14 मार्च 2018 को रिलीज हुआ है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर। तो फ्रेंड्स ये कर सहायक की वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2018। फ्रेंड इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, तो इसके तो फ्रेंड ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 148 है एंड सॉरी 162 है, जिसके अंदर नॉन TSP के 148 पोस्ट है एंड जो TSP के लिए 14 पोस्ट रिजर्व है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। एंड आवेदन प्रक्रिया है, तो आपको SSO ID खोलनी होगी www.sso.rajasthan.gov.in पे। एंड जो आपकी आईडी होगी SSO ID, तो आप उसको आधार नंबर ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो जैसे ही आप SSO ID खोलोगे, तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, जिसके अंदर अभी वर्तमान में बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसी में से आपको ये टैक्स असिस्टेंट वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो ये अभी शायद 22 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखते हैं उसकी, हम नीचे आएगा तो हम बता देंगे 22 मार्च से स्टार्ट है, तो सॉरी फ्रेंड्स 22 अप्रैल से। एंड जो इसकी फ्रेंड जो परीक्षा शुल्क है, जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए 450 एंड जो OBC कैटेगरीज है उनके लिए 350 एंड जो SC ST एंड जो हैंडीकैप कैटेगरीज है उनके लिए 250 रुपये। तो आप इसके लिए इमित्रिया CSC कॉमन सर्विस सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं या उसकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रवेश है आपको ईमेल आईडी के थ्रू एंड जो आप SSO ID एंड उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो कर्साई के वर्गवार आरक्षण है, तो इस प्रकार है, जो नॉन TSP एरिया उस पोस्ट है जिसमें जनरल के लिए 51 एंड जो ST कैटेगरीज है उसके लिए 16 एंड जो ST के लिए भी 16 पद है एंड जो OBC के लिए 21 है, तो आप देख सकते हैं। एंड जो नॉन TSP के लिए है टोटल पोस्ट है 14 है, जिसमें जनरल के लिए 6 एंड जो ST के लिए 5 पोस्ट है। तो फ्रेंड जो SC कैटेगरीज है वो जनरल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नॉन जो TSP क्षेत्र है उसके लिए। एंड फ्रेंड्स आप देखते हैं, एंड जो थर्ड ऑप्शन आता है जो मेन है एजुकेशन, उसकी सैलरी रहेगी 26,300 से। एंड जो सर्विस मैन एंड जो उच्च खिलाड़ी उनके लिए 2.5% है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, एंड इसमें वेतनमान रहेगा 300 से 85,500 निर्धारित किया गया है। एंड जो प्रोवेशन पीरियड है उसमें जो गवर्नमेंट के अनुसार दे होगा। एंड जो फ्रेंड्स मेन चीज़ है इस वैकेंसी की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री, या फिर आपके पास होनी चाहिए पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। एंड जो या फिर आपके पास होना चाहिए भारत में जो विश्वविद्यालय है मान्यता प्राप्त उसके द्वारा स्थापित किसी भी कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। तो मतलब जो BCA है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, BTech है जो CSID एंड जो EC वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, या फिर आपके पास ITI होना चाहिए, NITI, तो या फिर आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में DOACC द्वारा संचालित ओ लेवल या उच्चतर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या फिर आपके पास होना चाहिए स्नातक के साथ व्यावसायिक परीक्षण स्कीम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक डाटा
प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, तो फ्रेंड्स ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड उसी के साथ ही मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर 20 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एंड आपको देवनागरी लिपि एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। एंड जो कर रहे तो आपको जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 40% अंक लाना अनिवार्य है। एंड जो सही होना चाहिए एंड जो चरित्र है आपके किसी भी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए। एंड जो राष्ट्रीयता है जो भारत के सभी स्टेट्स के नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड या फिर नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जो तिब्बत के शरणार्थी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एज है 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है एंड जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष। फ्रेंड्स ये कंप्लीट वैकेंसी है एंड आप इसको हमारा वेबसाइट फेसबुक फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी तो हमारा पेज ये टेक्नो राजस्थान नाम से पेज मिल जाएगा आपको। एंड तो ये परीक्षा शुल्क है एंड जो इसके अंक हैं तो फ्रेंड ऑनलाइन फॉर्म है जो है 19 अप्रैल 2018 से 18 मई 2018 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं एंड इसी दिनांक को आप इसकी फ़ीस भी जमा करा सकते हैं। एंड परीक्षा की जो डेट है फ्रेंड ये डेट है इसकी परीक्षा की अगस्त 2018 के अंदर इसकी परीक्षा होने की संभावना है। फ्रेंड ये संपूर्ण डिटेल्स जो आवेदन कैसे करना है वो स्टार्टिंग में बता रखा है एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। किसी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in की तो फ्रेंड्स ये देख सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी तो हम इसको लाइक कर देना ताकि आपकी एक एक लाइक को हमें मोटिवेट करता रहता है और हम आपके इसी तरह की वीडियो बनाने में जल्दी से जल्दी प्रयास करते रहते हैं, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो इसको कमेंट करके हमें बता देना ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। एंड फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हो इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, गुड बाय।